हेलो दोस्तों, मैं से एक्सेल में आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सेक टेक में। और जैसा कि आज मैं बहुत दिनों के बाद लाया हूं बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट। जी हां, सैमसंग का ये प्रोडक्ट है जो कि कुछ दिन पहले ही आपके इंडिया में लॉन्च हुई है। और मैं करने वाला हूं उसका अनबॉक्सिंग और साथ ही साथ करने वाला हूं उसका फुल ऑन रिव्यू, साथ ही साथ मैं करने वाला हूं इसका गिव अवे। तो आप इस वीडियो में बने रहें लास्ट तक ताकि आपको मालूम चल सके कि आपको इस गिव अवे में कैसे पार्टिसिपेट करना है। तो अगर आप मेरे चैनल पर आए हो नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करो ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो भाई, मैं आज करने वाला हूं सैमसंग के एक कमाल के फ़ोन का अनबॉक्सिंग जो कि मेरे पास आया है। ये देख सकते हो, जी हाँ, सैमसंग का A12। जी हाँ, सैमसंग का A12 जो कि मेरे पास आया है 4GB 64GB वेरिएंट का। और ये मेरे पास आया है ब्लैक कलर में। जी हाँ, ब्लैक कलर में। अब चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या मिलता है और कुछ हाईलाइटिंग फीचर्स दी गई है इसमें, जो कि मैं आपको बॉक्स को ओपन करके आपको सब बताता चलूँगा कि इसमें आपको क्या क्या दिखने को मिलने वाला है। तो चलिए करते हैं इस बॉक्स को अनबॉक्स और देखते हैं हमारे कमाल का फ़ोन को। अब ये होता है अनबॉक्स, इसको रखते हैं साइड में और देखते हैं कि हमारे साथ में क्या मिलता है। ये हमारा मेन प्रोडक्ट, इसको भी रखते हैं साइड में और देखते हैं बॉक्स के अंदर में क्या क्या मिलता है। बॉक्स के अंदर में हमें मिल जाती है माइक्रो सी टाइप, जी हाँ, माइक्रो यूएसबी सी टाइप चार्जिंग केबल मिल जाती है। और मिलती है हमें एक, और यह हमें मिल जाती है 18 वाट की चार्जिंग पोर्ट मिल जाती है। और बॉक्स के अंदर कुछ है नहीं, बस ये डब्बा खाली, इसको रखते हैं साइड में। और देखते हैं हमारा जो पहले का जो कवर था बॉक्स का ऊपरी भाग, उस पर हमें मिलता है एक छोटा सा बॉक्स। जी हाँ, छोटा सा बॉक्स, उस पर हमें मिल जाती है सिम इजेक्टर टूल मिल जाती है। देख सकते हो यहाँ पे सिम इजेक्टर टूल मिल जाती है। और मिलती है इसमें हमें शायद कुछ मिलती होगी वही गारंटी पेपर या वारंटी पेपर मिलती होगी, क्योंकि इसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा बैक केस कवर नहीं मिलती है। ये रहा हमारा, जी हाँ, जैसा कि मैंने कहा था ये कुछ वारंटी पेपर है और कुछ यूजर मैनुअल गाइड है। इसको रखते हैं साइड में। अब आते हैं अपने मेन प्रोडक्ट की ओर, हमारे फ़ोन की ओर, देखते हैं कि वो फ़ोन कैसा है। तो उससे पहले करते हैं इस फ़ोन को अनरैप्ड और देखते हैं कि ये फ़ोन कैसा है। ये हो जाता है अनरैप्ड और वाओ यार, कमाल का लुक है, देख सकते हो ये ब्लैक कलर का शाइनी लुक। और इसकी चारों साइड देखें तो आपको चारों साइड आपको डिस्प्ले का कर्व मिलता है, दैट मीन्स कि ग्रिप अच्छा बनता है। और इसकी साइज़ भी दी गई है, तो बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज दी गई है। चलिए करते हैं इस फ़ोन को बूट और देखते हैं इस फ़ोन में क्या क्या आपको देखने को मिलने वाला है। जब तक ये फ़ोन बूट होता है हम इसका देख लेते हैं ओवरऑल व्यू, ये देखने में कैसा है। इसके पीछे की साइड देखें तो आपको हल्का सा टेक्सचर देखने को मिलता है, एक साउंड आ रही है, दैट मीन्स कि ये प्लास्टिक है और ये आपको कुछ रुखड़ा टाइप का मिलता है ताकि ये आपको अच्छे से ग्रिप बने, आप यहाँ से फिसले ना। और बात करें इसकी फिजिकल और की, तो फिजिकल में मिल जाती है आपको साइड में, आपको मिल जाती है राइट साइड में वॉल्यूम अप एंड डाउन की मिल जाती है। और साथ से साथ मिलती है आपको यहाँ पे पावर ऑन ऑफ की। और साथ ही साथ आपको बता दूँ यहाँ पे कोई फिंगरप्रिंट शो नहीं कर रहा, लेकिन ये आपका जो पावर ऑन ऑफ की है यही आपका साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट भी यहीं पर आपको मिल जाता है। और बात करें इसके लेफ्ट साइड की, तो लेफ्ट साइड आपको देखने मिल जाती है यहाँ पे सिम ट्रे मिल जाती है और ऊपर साइड आपको मिल जाती है एक्स्ट्रा माइक होल मिल जाती है। जी हाँ, एक्स्ट्रा माइक होल मिल जाती है ताकि आप अगर किसी से बात कर रहे हो तो आपके वो नॉइस कैंसिलेशन को बरकरार रखे। और बात करते हैं नीचे की साइड, तो नीचे आपको मिल जाती है यहाँ पे मिल जाती है आपको 3.5mm जैक मिल जाती है, मिलती है यहाँ पे प्राइमरी माइक होल मिल जाती है और मिलती है यहाँ पे माइक्रो सी टाइप चार्जिंग पोर्ट मिल जाती है और मिलती है यहाँ पे आपको स्पीकर ग्रिल। ये रहा इसका ओवरऑल व्यू। और बात करते हैं इसके कैमरा की, जी हाँ, कैमरा क्वालिटी की बात की जाए तो आपको मिल जाती है इसमें क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाती है, वो भी आपको वो स्क्वायर में। जी हाँ, देख सकते हो यहाँ पे स्क्वायर में बहुत ही कमाल का लुक देता है ये। और बात करें इसकी प्राइमरी कैमरा की, प्राइमरी कैमरा मिल जाती है आपको 48 मेगापिक्सल की और साथ ही साथ मिलती है आपको 5 मेगापिक्सल 2 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल की कैमरा मिल जाती है। और साथ ही साथ बात करें इसकी सेल्फी कैमरा की, तो सेल्फी के लिए मिल जाती है आपको 8 मेगापिक्सल की। जी हाँ, 8 मेगापिक्सल की सेल्फी कैमरा मिल जाती है जो कि बहुत ही कमाल की आपको देने वाली है पिक्चर्स। और वहीं बात करें इसके डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले मिल जाती है आपको 16.55 HD प्लस डिस्प्ले मिल जाती है। जी हाँ, HD प्लस डिस्प्ले मिल जाती है, दैट मीन्स कि इसमें आपको बहुत ही कमाल का पिक्चर क्वालिटी मिलने वाला है। तो ये रहा इस फोन का ओवरऑल व्यू। अब मैं दिखाता हूँ आपको इस फोन को ऑन करके, ये रहा फ़ोन का ऑन हो चुका है। अब मैं दिखाता हूँ इसका यूज़र कस्टम, ये आप देख सकते हो इसका यूज़र कस्टम बिल्कुल ही बहुत ही कमाल का है। इसमें आपको इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू जितने भी चाइनीज ऐप थे बैन किए गए थे उसमें से आपको एक भी देखने को नहीं मिलने वाली। और बात करते हैं कैमरा की, तो कैमरा भी मैं आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हो कैमरा बहुत ही कूल कैमरा, देख सकते हो इसका बहुत ही कमाल का कैमरा, बहुत ही ज़बरदस्त कैमरा है इसका। और वहीं बात करें सेल्फी की, सेल्फी भी बहुत कमाल की आ रही, बहुत कमाल की इसकी सेल्फी कैमरा यार, मेरे को बहुत ज़बरदस्त लग रही, लाजवाब लग रही है यार, यार लगता है कि इसी से मैं अपना वीडियो शूट कर लूँ, लेकिन ये कोई नहीं कर नहीं सकता। तो ये रहा इस फ़ोन का ओवरऑल व्यू। अब बात करते हैं इसकी बैटरी की, जी हाँ, बैटरी जो कि इसकी सबसे हाईलाइटिंग फीचर्स है, जो कि आपको मिलती है 5000 mAh की बैटरी। जी हाँ, 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है। और इसकी जो वेट है, कंपनी ने क्लेम की है कि ये आपको मिल जाती है अराउंड
205 ग्राम की। जी हाँ 205 ग्राम की मिल जाती है, दैट मीन्स ज़्यादा भारी नहीं है। इसकी साइज़ भी देखिए तो बहुत बड़ी साइज़ मिल जाती है और ये बहुत ही कमाल का फ़ोन होने वाला है। जी हाँ बहुत ही कमाल का फ़ोन होने वाला है। तो ये रहा इस फ़ोन का सारा डिटेल। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको इस फ़ोन के गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए क्या करना होगा। आपको इस फ़ोन के गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको करना होगा इस वीडियो को लाइक और साथ ही साथ करना होगा कमेंट, क्योंकि कमेंट नहीं करोगे तो भाई आप विनर नहीं बन सकते, क्योंकि कमेंट के थ्रू ही आपका विनर चुना जा सकता है। देखो अगर आप लाइक करते हो तो लाइक शो नहीं करता कि लाइक किसने किया है, लेकिन कमेंट करते हो तो कमेंट शो करता है कि किसने किया है। मैं रैंडमली पिक करता हूँ तो वहाँ पे आपका कमेंट शो करता है और वहाँ से मैं विनर चुन कर सकता हूँ। अगर आप लाइक करते हो कमेंट किए बिना निकल लेते हो तो भैया आप विनर कभी नहीं बन सकते हो। जी हाँ मैं लिख दे सकता हूँ कभी नहीं बन सकते, क्योंकि कमेंट के बिना आपका नाम आ ही नहीं सकता है, क्योंकि लाइक में कभी नाम आता ही नहीं है। देखो भाई अब तक मैंने जितने भी फ़ोन के गिवअवेज किए हैं, जितने भी प्रोडक्ट के गिवअवेज किए हैं, उसमें कोई लाइक टारगेट नहीं था। बट अब मैं स्टार्ट कर चुका हूँ कि मेरे को भी कुछ लाइक्स चाहिए, कुछ लाइक टारगेट दे दूँ, जिससे कि मैंने आपके पिछले दो वीडियोस या तीन वीडियोस में मैंने लाइक टारगेट दिया है। अब आपकी बारी है कि आप मेरे को कुछ रिटर्न दो, क्योंकि देखो मैंने अपने व्यूवर्स के लिए, अपने सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो बिना लाइक टारगेट के गिवअवेज दिए हैं, लेकिन अब मुझे लाइक चाहिए भाई। मैं अब लाइक का भूखा बन रहा हूँ, मेरे को लाइक चाहिए। तो अब बस आपके लिए, बस इस फ़ोन के लिए लाइक टारगेट होगा सिर्फ और सिर्फ 300 लाइक्स। जब भी आज करो कल करो, जब भी इसका 300 लाइक्स अचीव हो जाएगा, मैं उसी दिन शाम को या सुबह को आपको उसका गिव अवे रिजल्ट अनाउंस कर दूंगा। वो कभी भी हो, एक साल बाद हो चाहे एक महीने बाद हो, कभी भी आता है वो तो मैं आपको उसका गिव अवे रिजल्ट अनाउंस कर दूंगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइल एंड कीप ऑलवेज हैप्पी।